बिहार का सीएम कहता हूँ, बिहार का सीएम कहता हूँ, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष कश्यप टूटा नहीं है, वो आग और वो झोला बन के निकला है, और मनीष कश्यप एक शेर बन के निकला है, सेकंड भगत सिंह बन के निकला है। दोस्तों पूरे बिहार से जिस खबर के आने का इंतजार है बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था, आखिर वह खबर आज आ ही गई। बिहार का सबसे बड़ा पत्रकार और सनफ बिहार पत्रकार मनीष कश्यप आज फाइनली जेल से रिहा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, पत्रकार मनीष कश्यप के नाम पर जो बदनामा NS एक्ट की धारा लगाई गई थी, आखिर उस धारा को हटाकर आज की तारीख पर उनको जेल से रिहाई करवा दी गई। स्क्रीन पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भव्य तरीके से पत्रकार मनीष कश्यप पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इतने दिनों के बाद पुराने अंदाज में पत्रकार मनीष कश्यप हम सब की नजरों के सामने दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप आज आखिरकार जेल से रिहा हो ही गए। जिस दिन का इंतजार पूरा बिहार कर रहा था, पूरा देश कर रहा था, न जाने कितने समाज के लोग कर रहे थे, आखिर वह दिन आ ही गए। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाला मनीष कश्यप फाइनली आज जेल से रिहा हो चुके हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से मनीष कश्यप की आज रिहाई करवाई जा रही है। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं होता है, आज वह साबित हो चुका है। मनीष कश्यप भले ही इतने दिनों से परेशान हुए लेकिन आखिरकार उनको जेल से रिहा कर ही दिया गया। बिहार की वर्तमान सरकार भले ही उनको जमानत अर्जी को स्वीकृत की, दो राज्यों की सरकारों ने मिलकर उन पर यातनाएं दी, लेकिन आज का दिन उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे बिहार के लिए सबसे बड़ा दिन बनने जा रहा है। और आज ही के दिन बिहार के राम पत्रकार मनीष कश्यप हम लोगों के समक्ष आज हाजिर हुआ है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप की बधाई इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर आप लोग दीजिएगा। मनीष कश्यप के सच्चे सपोर्टर है तो मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे भी कमेंट में लिखकर जाइएगा। धन्यवाद।